सभी बच्चों का एंड्रांस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सपोनेंट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट्स में 4 पावर 0। अगर किसी भी नंबर के डिजिट की पावर 0 होती है तो उसकी टोटल वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स 4 पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पावर 8 माइनस 8, तो 3 पावर 8 माइनस 8 यानी 8 माइनस 8 0 डिजिट जिसमें पावर 0 है उसकी टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पावर 0 प्लस 4 पावर 0 प्लस 5 पावर 0। 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 4 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो द आंसर इज 3। इन नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पावर 0 माइनस 7 पावर 0, दैट मीन्स 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7। 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 0। रीनेम, नेक्स्ट क्वेश्चन में रीनेम 4963 इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। तो 4963 इसे हम लिखेंगे 4 into 1000 plus 9 into 100 plus 6 into 10 plus 3 into 1 के फॉर्म में। दैट मीन्स 4 multiply 10 power 3 plus 9 multiply 10 power 2 plus 6 multiply 10, दैट मीन्स 10 power 1 plus 3। इसे हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो सिंपली इसी तरह से इसका आंसर आएगा 4 into 10 to the power of 3 plus 9 into 10 to the power of 2 plus 6 into 10 to the power of 1 plus 3 into 10 to the power of 0, जब हम इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। बिकॉज 10 to the power of 0 इज इक्वल टू 1 होगा तो 3 into 1 इज इक्वल टू 3 आएगा। इसी तरह से हम एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से पढ़ते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए।